तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में आज पहला T20 मैच रांची में खेला जाएगा, लेकिन इससे ठीक पहले हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि शुभमन गिल या फिर आपके लिए पृथ्वी शॉ में से कौन ओपन करेंगे, वो तो उन्होंने बता दिया कि शुभमन गिल ही ओपन करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम क्या भारतीय टीम के खिलाफ में T20 फॉर्मेट में कम्पीट कर पाएगी, इसको लेकर एक बड़ा बयान, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ में आप जब भी मैच खेलते हैं बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये टीम बहुत ही शानदार है। उन्होंने यहां तक जिक्र किया कि ओडीआई फॉर्मेट में जरूर हम जीते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से, लेकिन अगर हैदराबाद में जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम परफॉर्मेंस कर रही थी, जिस तरीके से आपके ब्रिसबेन और सेंट्रल बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वो उस मैच को जीत जाते तो फिर टीम इंडिया के लिए कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता और एक अलग लेवल पर, एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ न्यूजीलैंड की टीम फिर सीरीज में खेलने के लिए आती। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने मेंशन किया कि हमने जरूर जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ में T20 सीरीज, अब से 1.5 महीने पहले जब हम न्यूजीलैंड के घर में गए थे खेलने के लिए और एक मैच तो बारिश की वजह से धुल गया, दूसरे मैच में हमने जीत दर्ज की, तीसरा मैच बारिश की वजह से बीच में ही रुक गया था, तो 1-0 से हमने सीरीज में जीत दर्ज की थी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर, हार्दिक पांड्या ने कहा है कि जो ओडीआई फॉर्मेट में हमने जीत दर्ज की है, दैट इज डिफरेंट, हमें एक फ्रेश शुरुआत करने की जरूरत है और न्यूजीलैंड के खिलाफ में अगर सीरीज में जीत दर्ज करनी है तो वी नीड टू प्ले आउट ऑफ द स्किन, यानी कि जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर आप छोटे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ में मैच जीत पाएंगे। अदरवाइज न्यूजीलैंड के पास में दे हैव इनफ स्किल कि वो मैच में कभी भी कमबैक कर सकते हैं और आपको आपके घर में ही हरा सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि टीम इंडिया के युवा जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है, अपने पोजीशन को किस तरीके से सॉलिड करते हुए नजर आएंगे। नजर बनाकर रखेगा ईशान किशन पर, आज अपने घर में खेलते हुए क्या ईशान का बल्ला चलेगा। लेकिन हार्दिक पांड्या का बड़ा स्टेटमेंट, न्यूजीलैंड को हराना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन युवाओं के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बीट न्यूजीलैंड एंड मेक देयर नेम, क्या वो कर पाएंगे। आप बरेली स्पोर्ट्स टॉक के साथ में पल पल की इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी।